IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला गुंचाए शायरी। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम खलीलुल रहमान आजमी। गजल गो शायर खलीलुल रहमान आजमी, पैदाइश 1927, इंतकाल 1978। खलीलुल रहमान आजमी सराय मीर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। आजमगढ़ से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की, फिर वहीं शोबाए उर्दू से वाबस्ता हो गए। खलीलुल रहमान आजमी ने गजलें भी कहीं और नज़में भी, लेकिन उनकी गजलें अपने धीमे अंदाज, दर्दमंदाना लहजे, फिक्री तजस्सुस और एहसास की ताजगी के बायस ज्यादा पसंद की गईं। तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे, तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे, मेरे लहू के समंदर जरा पुकार मुझे, तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे। उनके कलाम के मजमुए कागजी पैरहन, नया अहदनामा और जिंदगी ए जिंदगी के नाम से शाये हुए। नसरी किताबों में उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, मजामीन नौ और फिक्रो फन शामिल हैं। उन्होंने 3 किताबें नवाए जफर, मुकदमा कलाम आतिश और नई नज्म का सफर मैं मुकदमा मुरतब की हैं। खलीलुल रहमान आजमी पुरानी तशबीहों और इस्तारों से गुरेज करते थे। वो नई गजल के अव्वलीन मैमारों में शामिल हैं। वो फागा मस्त हूँ जिस राह से गुजरता हूँ, वो फागा मस्त हूँ जिस राह से गुजरता हूँ, सलाम करता है आशुबे रोहजगार मुझे, सलाम करता है आशुबे रोहजगार मुझे, तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे। अब पेश है गजल गो शायर खलीलुल रहमान आजमी की गजल। तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे, तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे, मेरे लहू के समंदर जरा पुकार मुझे, मेरे लहू के समंदर जरा पुकार मुझे, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, उरूजे फन मेरी दहलीज पे उतार मुझे, उरूजे फन मेरी दहलीज पे उतार मुझे, उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, न रास आएगी ये सुबह जर निगार मुझे, न रास आएगी ये सुबह जर निगार मुझे, कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा, कहेगा दिल
तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा, जमाना लाख करे आके संगसार मुझे, जमाना लाख करे आके संगसार मुझे। वो फाका मस्त हूं जिस राह से गुजरता हूं, वो फाका मस्त हूं जिस राह से गुजरता हूं, सलाम करता है आशूबे रोजगार मुझे, सलाम करता है आशूबे रोजगार मुझे। सलाम करता है आशूबे रोजगार मुझे, तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर एक, मतले में शायर को किसकी सदा का इंतजार है? सवाल नंबर दो, शायर अपने घर को बुलंदी की बजाय दहलीज पर उतरकर क्यों देखना चाहता है? सवाल नंबर तीन, दर्जे जील शेर में क्या कहा गया है? कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा, जमाना लाख करे आके संगसार मुझे। सवाल नंबर चार, तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे, मेरे लहू के समंदर जरा पुकार मुझे। इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है? तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे, मेरे लहू के समंदर जरा पुकार मुझे। खलीलुल रहमान आजमी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार परवेज गौहर और शमाइला परवेज, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर मेघा, ध्वनियांकन बटिलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन तथा ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।